नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक क्लास 12th में विलयन अर्थात सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। आइए हम सबसे पहले रसायन विज्ञान का माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो ब्लूप्रिंट किया गया उस पर हम चर्चा करें। तो जो विलयन यानी जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके 7 अंक निर्धारित है, उसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ हैं और 2 अंक की 2 वस्तुनिष्ठ, यानी 1 अंक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ का है और 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम आज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अणुसंघ की गुणधर्म क्या है। तो इसमें आपको इस प्रकार से लिखना चाहिए कि विलयन की गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं अणुसंघ के गुणधर्म कहलाते हैं, जैसे वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासन। अब इसी को हम इंग्लिश वर्जन में भी प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी लाभ मिल सके। व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन दैट इज डिपेंड ऑन द टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आप यदि इस प्रकार से लिख करके आते हैं तो आपको उसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। फिर स्थिर पानी मिश्रण किसे कहते हैं? स्थिर पानी मिश्रण एक ऐसा तरल मिश्रण होता है जिसका एक स्थिर क्वथनांक होता है, यानी जो मिश्रण है उसका भी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो स्थिर होगा और जिसकी वाष्प अवस्था में संरचना तरल अवस्था के समान ही होगा। जैसे उदाहरण दिया है 95.5% एथिल एल्कोहल और 4.5% पानी का मिश्रण। तो ये एथिल एल्कोहल और पानी का किस अनुपात में जो मिश्रण है वो स्थिर पानी मिश्रण है। अब इसका इंग्लिश वर्जन देखिए, व्हाट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज ए लिक्विड मिक्सचर दैट इज द कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड हूज कंपोजिशन इन वेपर फेज इज द सेम एज द लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल 95.5% ethyl alcohol and 4.5% water by mass is known as azeotropic mixture. Short answer question में ही अगला प्रश्न बन सकता है, हेनरी का नियम क्या है? तो वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। तो P समानुपाती x होगा तो P बराबर KH इंटू x, यहाँ KH एक हेनरी स्थिरांक है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। P equal to KH into X, where KH is the Henry law constant. तो यदि हेनरी का नियम भी आता है तो आप नियम के साथ में इस प्रकार के फार्मूला भी देंगे तो जो आंसर होगा वो ज्यादा बेहतर होगा। परासरण दाब किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, परासरण क्रिया को या परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए आवश्यक द्रव स्थितिक दाब की न्यूनतम मात्रा को परासरण दाब कहते हैं। यह एक अनुसंख्यक गुणधर्म है।
इंग्लिश वर्जन में हम देखें तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या कंसंटिव गुण है। मोलरता को परिभाषित कीजिए, विलयन के एक लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। मोलरता का सूत्र इस प्रकार है, मोलरता बराबर एम अपान एम डब्ल्यू टी इंटू 1000 अपान वी एम एल। तो यहाँ पर एम जो है विलेय का द्रव्यमान है, एम डब्ल्यू टी विलेय का आणविक द्रव्यमान है, और वी जो है विलयन का आयतन है एम एल में। आप देखिए इस प्रश्न में भी आप देखिए मोलरता की परिभाषा पूछिए, तो प्राय स्टूडेंट क्या करते हैं केवल परिभाषा लिख करके आ जाते हैं, हमको परिभाषा के साथ में उसमें कुछ और इनपुट देना है, उसका सूत्र लिख सकते हैं। डिफाइन मोलरिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। यहाँ पर भी मोलरिटी का फॉर्मूला लिख करके आएंगे, मोलरिटी इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन एम डब्ल्यू टी इंटू 1000 अपॉन बी एम एल। एम है मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, एम डब्ल्यू टी मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड वी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन एम एल। इस प्रकार से जो है आप आंसर को बहुत अच्छा बनाइए। अगला प्रश्न आ सकता है कि मोललता को परिभाषित कीजिए, एक किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल एम बराबर एम अपान एम डब्ल्यू टी इंटू 1000 अपान डब्ल्यू। यहाँ पर एम विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान है, एम डब्ल्यू टी विलेय का आणविक द्रव्यमान है, डब्ल्यू जो है विलायक का द्रव्यमान है। अब देखिए यहाँ पे ये ग्राम में है। डिफाइन मोलैलिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 केजी सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। और मोलैलिटी को आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, एम बराबर एम अपान एम डब्ल्यू टी इंटू 1000 अपान डब्ल्यू। अब स्मॉल एम क्या है, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट, एम डब्ल्यू टी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और 1000 अपान और नीचे मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो इस प्रकार से आप उत्तर को बहुत व्यवस्थित लिख करके आइए। फिर बन सकता है प्रश्न, नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए, किसी विलयन के एक लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यन की द्रव्यमान की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, इसे एन से दर्शाया जाता है। कैपिटल एन बराबर स्मॉल एम अपान ई इंटू 1000 अपान बी इन एम एल। यहाँ एम विलय का द्रव्यमान, ई विलय का तुल्यन की भार, वी विलयन का आयतन एम एल में ही। डिफाइन नॉर्मलिटी, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आर डिसॉल्व इनटू पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मलिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। नॉर्मलिटी इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन ई इनटू 1000 अपॉन वी इन एम एल। एम है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट और वी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। फिर प्रश्न बन सकता है, फार्मलता किसे कहते हैं, एक लीटर विलयन में घुले विलेय की ग्राम सत्र द्रव्यमान की संख्या को फार्मलता के रूप में जाना जाता है। The number of gram formula mass of solute dissolved per liter of solution is known as formality. मोल प्रभाज किसे कहते हैं, विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। XB बराबर NB अपान NA प्लस NB, ये विलेय का मोल प्रभाज XB है, NB विलेय के मोलों की संख्या है, NA विलायक के मोलों की संख्या है और NB विलेय के मोलों की संख्या है, कुल मोलों की संख्या है। इस प्रकार XB यहां पर मोल प्रभाज होगा। द रेशियो, अब इंग्लिश मीडियम में क्या हो सकता है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, XB equal to NB upon NA plus NB। तो ये रेशियो देखिए NB अपॉन टोटल
नंबर ऑफ मोल्स का। अर्ध पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक कणों को अपने में से जाने देती किंतु विलय के कणों को प्रभावित नहीं होने देती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे कॉपर फेरोसाइनेट की जो झिल्ली है, ये उदाहरण आप देख सकते हैं। तो प्राय स्टूडेंट क्या करते हैं, केवल परिभाषा लिख करके आ जाते हैं, उदाहरण नहीं देते। आप यदि उदाहरण भी साथ में प्रस्तुत करते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। व्हाट इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज ए मेम्ब्रेन दैट ओनली अलाउ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बट रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन। अब देखिए न्यूमेरिकल में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। 10 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर जल में खोलने पर प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले आप मोलरता का सूत्र लिखेंगे। अब M दिया है आपको 10 ग्राम, NaOH का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 40 ग्राम होता है, और जल का या विलयन का आयतन दिया है 500 ml। अब इस सूत्र में आप सब पहले पुट कर दें 10 और ये 40 और 1000 के सिटीजर 500 यहाँ रख दें, तो आंसर आएगा एम बराबर 1/2 अर्थात 0.5। तो ये यहाँ पर इसकी मोलरता आप निकाल सकते हैं। अब ऐसे सरल सवाल भी क्यों गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम जो फार्मूला है वो ठीक से लिखते नहीं। तो पहले तो फार्मूला आप लिखिए, फिर उसमें उसके जो मान है उनको रखना सीखिए, तो अपने आप आंसर करेक्ट होगा। इंग्लिश मीडियम में इस प्रकार बनेगा क्वेश्चन। फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेंड व्हेन 10 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर। m इक्वल टू स्मॉल m अपॉन MWT इनटू 1000 अपॉन ml। स्मॉल m है यहां पे 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट है 40 ग्राम, वॉल्यूम है 500 ml। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आएगा m इक्वल टू 1/2 यानी 0.5 m। फिर बनता है प्रश्न, मोलरता एवं मोललता में दो अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से आप कॉलम बना लीजिए, एक तरफ मोलरता दूसरी तरफ मोललता। मोलरता यानी विलयन के एक लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे m से दर्शाया जाता है। मोललता में 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। फिर दोनों तरफ सूत्र आ जाएंगे, इधर मोलरता का सूत्र लिखिए, इधर मोललता का सूत्र लिखिए। यहाँ पर b है सूत्र में, यहाँ पर w है ग्राम में। फिर तीसरा अंतर दे सकते हैं, तापमान बढ़ने पर मोलरता कम हो जाती है जबकि मोललता पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इंग्लिश वर्जन इस प्रकार होगा, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलिटी। एक तरफ मोलरिटी लिखिए, दूसरी तरफ मोलिटी लिखिए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी, इट इज डिनोटेड बाय m। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल। फिर यहाँ दोनों तरफ फार्मूले लिखेंगे, कैपिटल m इक्वल टू स्मॉल m अपान MWT इंटू 1000 अपान VML, m मोलिटी इक्वल टू m अपान MWT इंटू 1000 अपान W इन ग्राम, यहाँ से आप ग्राम लिखेंगे। थर्ड आप डिफरेंस लिखेंगे, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस मोलिटी डिक्रीजेस, और मोलिटी में देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलिटी। नेक्स्ट आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में दो अंतर लिखिए। तो एक तरफ आप आदर्श विलयन लिखेंगे, दूसरी तरफ अनादर्श विलयन। अब आदर्श विलयन किसे कहेंगे? ऐसे विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन का। और अनादर्श यानी ऐसे विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन करते। आदर्श विलयन के लिए P इक्वल टू P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB, जबकि अनादर्श विलयन के लिए ये P नॉट इक्वल टू होगा P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। अब यहाँ पर XA और XB तो मोल फ्रैक्शन एंड मोल प्रभाव हुआ है,
और ये जो है शुद्ध जो विलायक और विलेय है उनका वाष्पता। तो इस प्रकार से आप सूत्र भी आप दीजिए, फिर लिखेंगे आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच इक्वल टू जीरो होता है, जबकि अनादर्श विलयन के लिए डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो होता है। उदाहरण क्या हो सकता है, बेंजीन टॉल्यूइन का जो विलयन है वो आदर्श विलयन है, अनादर्श विलयन इथेनॉल और वाटर का जो मिश्रण है वो अनादर्श विलयन की श्रेणी में आता है। तो ये आपको इस ढंग से प्रस्तुत करके आना है कि जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन और जो नहीं पालन करते हैं अनादर्श। इंग्लिश मीडियम में आप इस प्रकार से लिखेंगे, दो सॉल्यूशन विच ऑलवेज राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। इधर दो सॉल्यूशन विच डू नॉट ऑलवेज राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर दोनों तरफ आप फार्मूला लिख करके आएंगे, फिर डेल्टा एच इक्वल टू जीरो होगा इसमें, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे एंथैल्पी में चेंज होगा इसलिए डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो। बेंजीन टॉल्यूइन इसका एग्जांपल लिखेंगे आइडियल में, पर इसमें इथेनॉल होगा। तो हम क्या है करते हैं कि जब अंतर लिखते हैं तो एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, तो आप एग्जाम्पल को जरूर से लिख करके। फिर सम पराश्रय विलयन को परिभाषित कीजिए, समान ताप पर ऐसे विलयन जिनकी पराश्रय दाब एक समान होती है सम पराश्रय विलयन कहलाते हैं। और पराश्रय दाब समान है तो आप इस प्रकार का एक लिख सकते हैं सूत्र, पाई वन इक्वल टू पाई, यानी दोनों पराश्रय दाब समान है। डिफाइन आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, एट द सेम टेम्परेचर दो सॉल्यूशन एवं सेम ओसमोटिक प्रेशर आर नोन एज आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, पाई वन इक्वल टू पाई टू। फिर 4 ग्राम NaH को 500 मिलीलीटर जल में घुलने पर प्राप्त विलयन की नामकता क्या होती है, फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर 4 ग्राम यहाँ पर देखिए M दिया है 4 ग्राम, T दिया है 40 ग्राम, नॉर्मलिटी निकालना है तो V दिया है 500 ml, और नॉर्मलिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है N अपॉन E इनटू 1000 अपॉन V। यहाँ पर हम 4 ग्राम रख देंगे, T में 40 रख देंगे, 1000 की जगह 1000, T की जगह 500, तब इसको आप सॉल्व करेंगे तो नॉर्मलिटी आएगी 0.2। विलियन वाले चैप्टर में आपको आंकड़े प्रश्न भी कीजिए, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं जबकि बहुत सरल प्रश्न आते हैं, चाहे नॉर्मलिता का हो चाहे नहीं। वान्टर्क गुणांक क्या है, वान्टर्क कारक को द्रव्यमान द्वारा पदार्थ की सांद्रता के लिए पदार्थ के बनने पर होने वाले कणों की सांद्रता के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। A Wantoff factor can be defined as the ratio of the concentration of particles formed when a substance is dissolved to the concentration of the substances by mass. तो ये एक प्रकार का अनुपात ही नंबर एक को तो बात किया। अब यहाँ पर पदार्थ की सांद्रता है और जब पदार्थ घुल जाता है तो जो कणों की जो सांद्रता होती है उसके अनुपात को हम वांटा गुणांक कहते हैं। फिर प्रश्न आ सकता है राउल्ट का नियम क्या है, किसी विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ये इसकी प्रारंभिक परिभाषा। तो यहाँ आप देख रहे हैं P इक्वल टू P A प्रोपोर्शनल है X से,
ये यहाँ पे विलायक का वाष्प दाब है और एक से विलायक का मोल। अब जब इसी को हम डिराइव करते हैं तो अंत में निष्कर्ष निकलता हुआ आता है कि किसी विलयन की वाष्प दाब में आपेक्षिक होना, ये आपेक्षिक होना विलय के मोल प्रभाज के समान होती है, तो ये यहाँ पर विलय के मोल प्रभाज के बराबर दिखाई देता है, ये आपेक्षिक होना में वाष्प दाब में और विलय का मोल। According to Raman's law, the vapor pressure of the solvent present in the solution is proportional to the mole fraction of the solvent in solution. तो यहाँ पे PA समानुपाती है x से के। The relative depression in the vapor pressure of a solution is proportional to the mole fraction of the solute. ये हो गया यहाँ पे relative lowering vapor pressure, ये इक्वल टू एक्स भी होगा। इस प्रकार राउल्ट का नियम यदि आता है तो परिभाषा के साथ सत्य की फिर प्रश्न बन सकते हैं शॉर्ट आंसर में धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में क्या अंतर है। धनात्मक विचलन में आप लिखेंगे ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक हो, धनात्मक विचलन वाले विलयन कहलाते हैं। ऋणात्मक विचलन विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अपेक्षित वाष्प दाब से कम होता है, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। एक तरफ धनात्मक विचलन और एक तरफ ऋणात्मक विचलन। अब यहाँ पर आप देखिए धनात्मक विचलन में जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम से अपेक्षित वाष्प दाब से ज्यादा है, इसलिए पीए इज ग्रेटर देन पीए नॉट A into X A, और इसी प्रकार PB equal to PB is greater than V P not B into X A। और यहाँ पर क्या हो रहा है P विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम होगा तो PA is less than P not A into X A and PB is less than P not B into X A। ये फार्मूला भी आप लिख कर क्या है शुद्ध घटकों की तुलना में विलय विलायक के बीच अंतर अणु का आकर्षण बल कम होता है, धनात्मक विचलन। ऋणात्मक में क्या हो रहा है शुद्ध घटकों की तुलना में विलय विलायक के बीच अंतर अणु का आकर्षण बल। उदाहरण भी लिख करके ये जल तथा एल्कोहल का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म तथा जल का मिश्रण, ये दो उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। ऋणात्मक विचलन में फिनोल तथा निलियम का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन का मिश्रण। इस प्रकार से आप उदाहरण भी लिख कर जा सकते। फिर पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में इफ द वेपर प्रेशर इज हायर देन द सॉल्यूशन इज सेट टू एग्जिट पॉजिटिव डेविएशन। यहां पे इफ द वेपर प्रेशर इज लोअर देन द सॉल्यूशन इज सेट टू एग्जिट नेगेटिव डेविएशन। फिर यहां पे पीए को ग्रेटर करना है पी नॉट ए इंटू एक्स सी, इस प्रकार पीबी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स सी, और इधर पीए इज लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स सी, पीबी इज लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स सी। फिर थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस मस्ट बी लेस एज कंपेयर टू प्योर कंपाउंड्स। यहाँ पर the solute solvent interaction must be more, यहाँ पे solute solvent के बीच में interaction ज़्यादा as compared to pure compounds। For example quote करिए water ethanol का mixture हो सकता है, chloroform and water का mixture हो सकता है, इधर आप phenol and aniline का mixture chloroform में acetone mixture, ये इस प्रकार से जो है आप example भी देकर के भी आते हैं differences में, तो आपको अच्छे marks मिलते, पूरे marks मिलते। धुआं किस प्रकार का विलयन है, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो धुआं हवा में निलंबित कार्बन धूल के कणों का कोलाइडर है, जिसमें विलय कार्बन तथा धूल के कण, ये तो सॉल्यूट हो गए, और वायु यानी गैस विलायक। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज स्मोक, स्मोक इज द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सस्पेंडेड कार्बन एंड डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, in which solute is carbon and dust particle and air is solute।
नेक्स्ट, सोडा वाटर किस प्रकार का घोल है? सोडा वाटर पानी में घुले कार्बन डाइऑक्साइड का संघटक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी ही तो लिक्विड। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सोडा वाटर? सोडा वाटर इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्विंग वाटर। ऐसे प्रश्न में भी आपको आंसर आना चाहिए क्या है, सोडा वाटर यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर यानी उसमें पानी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पानी में डिजॉल्व। फिर तनु विलयन के लिए वन टॉप समीकरण लिखिए। अब वन टॉप समीकरण क्या लिखेंगे? पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में विलयन का प्रासंगिकता। सी क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन की मोलर संख्या। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये सार्वत्रिक गैस स्थिरांक को कहलाते हैं। अब टी क्या है? एब्सोल्यूट टेंपरेचर यानी परमता। तो इस प्रकार से प्रश्न आता है तो आप उसको उसका रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छे से होना चाहिए। फिर बन सकता है पीपीएम क्या है? विलेय के 10^6 भागों में उपस्थित विलेय या विलायक के द्रव्यमान घटक की संख्या परस्पर विलयन है। व्हाट इज पीपीएम? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10^6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पीपीएम। यहां पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10। यानी ppm equal to percentage into 10 to the power 6 10^6 parts में जितने सॉल्यूट के या सॉल्यूट के पार्टिकल्स ppm। ppm का पूरा नाम क्या है? पार्ट्स पर मिलीलीटर। थैंक्स। तो आप इस ढंग से अभी हमने एक यूनिट आपके सामने प्रस्तुत किए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को लेकर के, आप इसको देखिए। और यदि आप चाहेंगे तो हम अगले चैप्टर पर छोटे इस पर विचार करके अगला वीडियो भी प्रस्तुत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए कि इन प्रश्नों को समझ करके लिखिए। ये प्रश्न एक सैंपल है, इसको आप इसके आधार पर तैयारी जरूर करें, लेकिन चैप्टर है उस चैप्टर में और भी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। आप उस चैप्टर को पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, और भी आप उसमें प्रश्न बना सकते हैं और उन प्रश्नों को आप लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल दी हमने कुछ प्रश्नों के कि आपको किस प्रकार से परीक्षा की तैयारी करना चाहिए। और यदि आप इस ढंग से तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। धन्यवाद।